अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़नीन अकबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डिलीशियस कीमा समोसा बनाने की रेसिपी। तो आइए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले 1/2 kg कीमा लेंगे और इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता, 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 लेमन लेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसका जूस हम इसके अंदर डालेंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गुल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून फूड कलर। कीमे के अंदर हम सभी पाउडर मसालों को ऐड करेंगे, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को भी इसके अंदर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करेंगे और इन सभी को स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम अपने कीमे के मिक्सर को इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हर साइड से हम इसे उलट पलट कर चला लेंगे और इसके अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे लीड की मदद से कवर करेंगे और कवर करके हम इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसके लीड को हटाएंगे और स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कीमा है वो अच्छे से भून कर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं समोसा सीड्स ले रही हूँ, रेडीमेड है ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसके साइड को इस तरह से सील कर देंगे और तैयारशुदा कीमा को हम इसके अंदर स्पून की मदद से इस तरह से फील कर देंगे। मैदे के ग्लू को ऑयल ब्रश की मदद से लगाकर इसे अच्छे से सील कर देंगे और इसे पलट कर साइड में भी हम इसका मैदा का ग्लू लगाएंगे और इसे हर तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक समोसा बनकर रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने सारे समोसे को रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसे मीडियम हॉट गरम कर लेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, हम 1 by 1 समोसे को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे और हर साइड से हम इसे पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम अपने गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये क्रंची बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे निकाल लेंगे एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर। इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने बचे हुए सारे समोसे को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस कीमा समोसा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।